उपरों थले डिग्गया उदे नाल ही दो ही लत्तां फ्रैक्चर होई फिर 108 ही फोन किया गड्डी गई है फिर पुणे हॉस्पिटल उन्हें उन्हें मतलब के एक्सरा उसरा कराइए तो जम्मू रैफर किया। साढ़े को इन्ने पैसे भी नहीं है जम्मू जाने वास्ते सलाह सलूह की तो साढ़े को देसी इलाज करदा रहा पट्टी छत्ती करदा रहा 10-15 दिन तो हो गए हड्डी फ्रैक्चर हो गई तो पट्टी छत्ती करदा नहीं कोई दवाई शवाई कक्ख नहीं AA साहब आए ने छड़ी उन्हें फोटो शोटो खिंचे तो वापस चली गए। फिर मैं एक दिन फोन किया साहब ने मैं साहब जी दस जी हूँ साड़ी गलत फ्रैक्चर होई दी कोई राड़ पौनी है कोई पैसे दी कोई थोड़ा मदद करो आखदा कोई गल नहीं करने कोई टेंशन नहीं करने बस इन्नी गल फोन कट्टी गए। PDD के डेली वेजर्स कई बार हम आपको उनके बारे में बता चुके हैं कि किस स्थिति में है वो लोग। मेरे साथ इस टाइम ऐसे ही एक डेली वेजर हैं जिनकी दोनों टांगें आप देख सकते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा जो है इन दोनों टांगों में खंबे से गिर जाने की वजह से ये उनकी हालत हुई है। इनकी तरफ से बिजली विभाग को ऑलरेडी कहा गया था कि हालत जो है इस पोल की इस खंबे की सही नहीं है लेकिन बिजली विभाग के पास कहाँ वक्त है। उनके पास ना ही वक्त अपने डेली वेजर्स के लिए है ना ही वक्त उनकी फैमिलीज़ के बारे में है और आज तक ये अपना जो इलाज करवा रहे हैं एक बारी भी बिजली विभाग का कोई शख्स इनको देखने तक नहीं आया। थोड़ा की ना है इकबाल सिंह जी के गल होई ही जरा थोड़ा दस के पूरी जानकारी किया तो अनुमें लगी के पूरी गल होई दी। सर कोई 11 बजे टाइम आहा सैली खड़दू कोई बंदे ने फोन किया मतलब कि कोई तारा टूटी गई दी अचानक में चली गया तारा टूटी दी मैं खंबे चढ़िया तो खंबा उपर बैठे कि खंबे जाइए खंबा थले तू बिल्कुल धरती तू टूटी गया खंबा उपरों थले डिग्गया उदे नाल ही दो ही लत्तां फ्रैक्चर हो गई फिर 108 ही फोन किया गड्डी गई है फिर पुणे हॉस्पिटल उन्हें उन्हें मतलब के एक्सरा उसरा कराइए तो जम्मू रैफर किया। साढ़े को इन्ने पैसे भी नहीं है जम्मू जाने वास्ते सलाह सलूह की तो साढ़े को देसी इलाज करदा रहा पट्टी छत्ती करदा रहा 10-15 दिन तो हो गए हड्डी फ्रैक्चर हो गई तो पट्टी छत्ती करदा नहीं कोई दवाई शवाई कक्ख नहीं तो AA साहब आए ने छड़ी उन्हें फोटो शोटो खिंचे तो वापस चली गए। फिर मैं एक दिन फोन किया साहब ने मैं साहब जी दस जी हूँ साड़ी गलत फ्रैक्चर होई दी कोई राड़ पौनी है कोई पैसे दी कोई थोड़ा मदद करो आखदा कोई गल नहीं करने कोई टेंशन नहीं करने बस इन्नी गल फोन कट्टी गए। संदीप हाँ जी अच्छा जी सर फिर इयै चक्कर हो फिर अज गड्डी कुसै वाला गड्डी 2000 मुड़ा हा उन्हें गड्डी करियै इत्थे पजाया हॉस्पिटल पजाया प्लस्तर प्लूस्तर कीता इक लत्ते रही है कहंदे एह् ठीक होएगा फिर दूई लत्ते करना है दे साढ़े को इन्ना कोई रोजगार तो है नहीं है बड़ी सिस्टर है उसी भी हैंडीकैप है चली सकती नहीं है जो भी कम करता मैं अपने मतलब के कद सिर करता कम्म कोई भी कम्म करता दिन रात भी कम्म करते रहे कोई ये नहीं आखते भाई लैंडमैन कम्म नहीं करते बारिश होवे धुप्प होवे कोई भी होवे साढ़ा जिम्मेवारी ही कम्म करते उन्हें पता नहीं लगता भाई साढ़ा मुलाजिम केह् करता केह् नहीं। उसे टाइम ही मैं अपने अफसर ही फोन किया मैं सर जी ये चक्कर हो गया मेरी लत्तां दो फ्रैक्चर हो गई अफसर ने कोई गल की नहीं उन्हें बस इयै गल की भाई पुछे भी नहीं मुड़िए एक दिन मुड़ी आए तो उन्हें पुछे फोटो शोटो लिए चली गए तो उन्हें कोई नहीं दस फिर मैं शामी फोन करी पुछे मैं खर्चा खुर्चा दो राड़ पौनी है तो बस कोई गल नहीं। बस इकबाल सिंह जी तुस दिन रात तुस हो थोड़े बाकी डेली वेजर लगातार काम करते हैं कदे कोई तार टुटा दी कदे खंबे उपर चढ़ा दे लेकिन थोड़े बारे कोई नहीं दिखता। मैं कई बार जम्मू गए मिलना किसी की बांह चली गई किसी लत्तां चली गई थानू भी लगी गई कोई नहीं पुछना आंदा बाय डिपार्टमेंट कोई बिल्कुल कोई पुछना अज तक आया कोई नहीं आए तो होंदा इस टाइम में जम्मू होना जम्मू ठीक होए होना हा पैसे होंदे हे चार उन्हें कोई थोड़ी पैसे खर्चा पानी दिंदे हे ते उन्हें पुछे मतलब नहीं कोई पुछया नहीं ते कियां गुजारा चल रहा तुहाडे घर दा? गुजारा ही है बस तनखा तुनखा लभदी तो मोटा माटा कम करदे हे बाहर खर्चा चलदा ही ते देखो घर दी कंडीशन देखो 32-33 साल उम्र होई है ते 2013 लगे दे बने कक्ख नहीं शादी की नहीं कुछ किया तो ये बस टाइम पास करते 700 लभदी तो उतू भी गया। इकबाल जी हूँ तक कि खर्चा आ गया थोड़ा? सर कोई 20-25-30 हज़ार रुपया खर्चा आई गया तुझे पता है लगी दी है कोई हड्डी फ्रैक्चर हुई दी है एक तो मसला तो है नहीं तो पुछे भी नहीं किसी ने भाई किन्नी लगी थी मैं उन्हें पूछना कोई भाई खर्चा पानी जाओ चलो चल जी इलाज कराने कक्ख नहीं महकमे वाले पूछा नहीं। ये बिजली विभाग का हाल है ये बिजली विभाग का हाल खाली इधर रियासी इलाके का नहीं है, पूरे अगर जम्मू में आप देखें तो यही हालत है। ये डेली वेजर हैं, ये अपने घर के लिए खंबे पे नहीं चढ़े थे, ये खंबे पे चढ़े थे लोगों के घर पे बिजली ताकि पहुंच जाए। और बिजली विभाग से सेल्फिश डिपार्टमेंट, स्वार्थी डिपार्टमेंट अभी तक मैंने नहीं देखा जो अपने मुलाजमों की तरफ भी नहीं देखता। कितना सेल्फिश डिपार्टमेंट है, कितना स्वार्थी है ये बिजली विभाग वाले। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, ये डेली वेजर भी आपके ही मुलाजिम हैं, सरकार इनको भी पैसे देती है जो 6700 रुपया देते हैं। इनकी दोनों टांगे जो हैं फ्रैक्चर हो चुकी हैं खंबे में गिर जाने की वजह से, जिसके बारे में इन्होंने पहले भी बताया था कि ये खंबा टूट सकता है, फिर भी मुलाजमों ने कोई ध्यान नहीं दिया। और आज हालत ये है कि इकबाल सिंह जी कि दोनों टांगे जो हैं फ्रैक्चर हो चुकी हैं। इनकी सिस्टर ऑलरेडी घर में जो हैं हैंडीकैप हैं, और यही अकेले एक ज़रिया थे घर में जो हैं राशन के लिए, जो घर में कामकाज करके लाते थे, नौकरी करते थे, और अब ये भी घर पे बैठ गए हैं। जम्मू रेफ़र होने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि जम्मू में भी कौन सा इलाज होना है, जम्मू में भी आपको दवाइयाँ तो दुकानों से ही मिलनी है, हॉस्पिटल से तो कुछ मिलना नहीं है, जो रियासी हॉस्पिटल का हाल है। रोहित कंसल जी अगर इस वीडियो को देख रहे हों तो आपके पास इस टाइम बिजली विभाग है, कृपया करके रोहित कंसल जी, इकबाल सिंह जी ने अपनी पूरी कहानी बताई है, ये उनकी हालत है। हो सके तो अपने जो बिज़ी आपके जो मुलाजिम हैं बिजली विभाग के, उनको थोड़ा सा बोलिए, वक्त निकालिए, और इकबाल सिंह जी की ये जो हालत हुई है उसको देखें, और जितना इनका खर्चा आ रहा है कम से कम वो पूरा का पूरा उठाएं। देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, जेके मीडिया के लिए धन्यवाद।